दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपना एक न्यू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया है। और इस अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह एक तो यह अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, दूसरा इस अकाउंट में आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट्स एंड कैशबैक भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कंपेयर करोगे इस अकाउंट की किसी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे जो इसके बेनिफिट्स हैं उस क्रेडिट कार्ड के सिमिलर ही मिलेंगे, इनफैक्ट कहीं कहीं ज्यादा भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप लोग के लिए अकाउंट बेस्ट साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को इसी अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो के एंड में मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि आप लोग को यह अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह अकाउंट फुली डिजिटली ओपन होगा, यानी कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होगी, मात्र आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से यह अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी घर बैठे आप लोग अपना वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक एंड इत्यादि और भी जैसे कि नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। चलिए एक एक करके आप लोग को सारे बेनिफिट्स इस अकाउंट के बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस अकाउंट का नाम है इन्फिनिटी अकाउंट और यह पूरी तरीके से कैशबैक अकाउंट है, यानी कि इस अकाउंट में आप लोग को ढेर सारे कैशबैक और फ्री सर्विसेज भी देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे इन्फिनिटी अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है, तो चलिए एक एक करके आप लोग को भी सारे बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। तो पहला बेनिफिट ये आपको मिल जाता है, नो चार्जेस ऑन एनी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी घरेलू ट्रांजेक्शन अगर आप लोग करते हैं इस अकाउंट के थ्रू, वहां पे आप लोग को कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया भाई, इसमें आप लोग को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, साइन अप एट जस्ट 150 रुपया पर मंथ और 1650 पर एनुअल, यानी कि एनुअली आप लोग को 1650 रुपया पे करना पड़ेगा या फिर 150 रुपया पर मंथ का प्लान लेना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसके फटाफट बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, नो चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड इश्यूएंस एंड रिन्यूअल फीस, यानी कि डेबिट कार्ड जो आप लोग को फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें आप लोग को कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं देना है। जो डेबिट कार्ड का रिन्यूअल फीस लगता है ना हर साल, वो आपको नहीं पे करना है। साथ ही कोई भी इश्यूएंस फी भी आप लोग को उस डेबिट कार्ड पे नहीं पे करना है। इसके साथ ही जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा वो तो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही चेकबुक और डीडी, तो अगर आप लोग चेकबुक लेते हो तो उसके लिए भी कोई भी आप लोग को चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोग कभी भी डीडी बनवाते हो अपने इस अकाउंट के थ्रू, तो वहां पे भी आप लोग को कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग डीडी बनवाते हैं तो वहां पे डीडी बनवाने का चार्जेस भी आपसे लिया जाता है, लेकिन इस अकाउंट में आप लोग को डीडी बनवाने का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही चेकबुक भी बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही नेक्स्ट, नो चार्जेस ऑन आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, यानी कि अगर आप लोग इस अकाउंट के थ्रू नेफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, आईएमपीएस करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, इसके साथ ही विड्रॉल कोई भी कैश विड्रॉल करते हो, तो उसके ऊपर भी कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस तो बिल्कुल फ्री है। साथ ही आप लोग को पता होगा कि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो वहां पे कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की एक लिमिट मिलती है, खासकर विड्रॉल की एक लिमिट मिलती है, महीने में 5 या फिर मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 3 मिलती है, और नॉर्मल सिटी में रह रहे हो तो वहां पे 5 की आप लोग को लिमिट मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अनलिमिटेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट इसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हो, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसका एंजॉय अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल मैंने आप लोग को बता ही दिया। देन नेक्स्ट है कि गेट गारंटी 10% कैश बैक एवरी टाइम यू शॉप ऑन फ्लिपकार्ट वाया ग्रैब डील्स। अगर आप लोग ग्रैब डील्स के थ्रू फ्लिपकार्ट पे कोई भी शॉपिंग करते हो तो आप लोग को एवरी टाइम प्रत्येक बार 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है इस अकाउंट में भी, भाई फ्लिपकार्ट पे अगर आप लोग कोई शॉपिंग करते हो तो हर बार आप लोग को 10% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे कोई भी शॉपिंग करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहां पे आप लोग को ओनली 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, लेकिन इस अकाउंट के थ्रू आप लोग को 10% का कैशबैक मिल जाएगा वाया ग्रैब डील्स। ये चीज आप लोग क्या लगे, वाया ग्रैब डील्स लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन जो आपको करना है वो ग्रैब डील्स के थ्रू करना है। ग्रैब डील्स इनकी एक वेबसाइट है, तो
जैसे आप लोग रैपिडील्स पे साइन अप करोगे ना, तो वो सीधे रीडायरेक्ट कर देगा आपको फ्लिपकार्ट पे, और वहां पे आप लोग जो भी शॉपिंग करना हो वो कर सकते हो, देन 10% का कैशबैक ग्रैब कर सकते हो। इसके साथ ही अकाउंट ओपनिंग के 30 दिनों के अंदर इसके फिजिकल डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग कोई शॉपिंग कर लेते हो, ट्रांजेक्शन कर लेते हो, तो वहां पे आप लोग को 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर भी मिल जाता है, जिसको आप लोग रिडीम कर सकते हो ग्रैब डील्स पे। ग्रैब डील्स पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो, जो 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर आप लोग को मिल रहा है। इसका नेक्स्ट है अवेल अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ऑन बुक माई शो एवरी मंथ वेन यू बुक थ्रू ई डेबिट कार्ड, यानी कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसके थ्रू अगर आप लोग कोई भी बुक माई शो पे टिकट बुक करते हो, तो वहां पे आप लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भी फ्री दिया जाएगा एवरी मंथ। नेक्स्ट है गेट फ्लैट 1% कैशबैक ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड थ्रू ई डेबिट कार्ड, यानी कि इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग अगर आप लोग करते हो, तो वहां पे आप लोग को 1% फ्लैट 1% का कैशबैक दिया जाएगा। इसके साथ यहां पे आप लोग को माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसके ई डेबिट कार्ड यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू एनुअली 1,00,000 रुपीज तक का स्पेंड कर लेते हो, तो वहां पे आप लोग को 2,000 एज रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं माइलस्टोन बेनिफिट के रूप में। इसके साथ ही इसके फिजिकल डेबिट कार्ड पे आप लोग को इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर 5,00,000 रुपीज तक का मिल जाएगा, एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 1,00,000 रुपीज तक का मिल जाएगा, इसके साथ ही परचेज प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपीज तक का मिल जाएगा, लॉस ऑफ बैगेज डिलेड बैगेज कवर अप टू 500 USD। साथ ही इसके फिजिकल डेबिट कार्ड पे अगर आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पे भी स्पेंड करते हो, तो वहां पे आप लोग को हायर एज रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं, जिसमें 10x आप लोग को मिल 10x रिवार्ड पॉइंट 10x एज रिवार्ड पॉइंट आप लोग को मिलेंगे। ट्रेवल बुकिंग पे 5x एज रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परचेज इसके साथ 3x ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड 2x क्लॉथिंग स्टोर्स पे आप लोग को ये एज रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे फिजिकल डेबिट कार्ड के थ्रू। तो ये तो हो गया इस अकाउंट के सभी फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो इसमें आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट्स एंड कैशबैक इसके आते ऐसे बहुत ढेर सारे सर्विसेज मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री है, अदर अकाउंट में आप लोग को फ्री भी नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो के मिडिल मैंने आप लोग को दो प्लान के बारे में बताया था, 150 और 1650 रुपए पर ईयर। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को यही प्लान लेना पड़ेगा कि 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ का एटलीस्ट आप लोग को प्लान लेना ही पड़ेगा। इसके बाद एनुअली 1650 रुपए का, यहाँ पे दो प्लान है, 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप लोग को एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ का प्लान लेना पड़ेगा। इसके बाद 1650 ईयरली प्लान है। इसके साथ ही एक और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, जब भी आप लोग अकाउंट ओपन करोगे तो एक्सिस बैंक का तो आप लोग को पता ही होगा, वहां पे आप लोग को इनिशियल फंडिंग भी करना पड़ता है। अगर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो भी आप लोग को इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। तो इस अकाउंट में आप लोग को मिनिमम 5,000 रुपीज तक का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। हालांकि बाद में आप लोग इस जो 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग कर रहे हो उसको आप लोग निकाल भी सकते हो, लेकिन ये जो प्लान है ना दोनों, 150 रुपया पर मंथ का मिनिमम 6 मंथ या फिर 1650 रुपए ईयरली, ये प्लान आप लोग को लेकर चलना ही पड़ेगा। बाकी और सारी चीजें फ्री है। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोग को इस अकाउंट के सभी फीचर्स बेनिफिट्स एंड इनिशियल फंडिंग कितना करना है प्लान्स के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि भाई आप लोग को इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, अगर आप लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो ये अकाउंट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोग को बताया, जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि इस अकाउंट का जो पर्पज हमें लग रहा है ना बनाने का, वो पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड और कैशबैक के बिहाव पे ही बनाया गया है। तो अगर आप लोग के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है, अगर देखा जाए कि 1650 रुपए का ईयरली प्लान लेते हो तो भी ये प्लान ज्यादा पड़ जाता है। तो अगर मिला जुला कर सब कुछ देखा जाए कि अगर आप लोग को ये सारी जो फैसिलिटी फ्री में मिल रही है उसका अगर आप लोग को जरूरत है तो फिर आप लोग को ये अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही है। तो एक तरीके से देखा जाए करंट अकाउंट की जैसा भी बना दिया गया है। तो आप लोग देख लेना कि आपको यह इस अकाउंट की जरूरत है कि नहीं। वैसे मेरा ओपिनियन पूछोगे अपने लिए, तो मैं तो इस अकाउंट को बिल्कुल भी ओपन नहीं करने वाला। बाकी आपकी मर्जी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोग ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर
नहीं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना सा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर देना, इस साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना, और इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।